बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। बस दो तीन दिन से ना तबीयत बस ऐसे ही है, और पता नहीं अपनी नज़र लग गई है। जो मैं कह रही थी कि इतना अच्छा रमज़ान गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी दो दिन से बस फ़ीवर था ये वो, तो वीडियो जो है ना मैं एडिट भी नहीं कर सकी और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकी। ये हम लोगों ने दो तीन दिन पहले हम लोग गए थे मार्केट, तो ये उस दिन का व्लॉग था। तो आज थोड़ी तबीयत बेहतर थी, तो मैंने सोचा कि मैं एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने जाना था बच्चों को लेके ईद की शॉपिंग करने, और बच्चों की पसंद की चीज़ होना तो बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले ना, ये जिस दिन मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उससे नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, तो नेक्स्ट डे जो सामान थोड़ा सा पिज़्ज़े का पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा बना के साथ ले जाऊँ, ताकि वहाँ बच्चों को भूख लगे तो ये पिज़्ज़ा खा ले। क्या हुआ? क्या करने दो? करो बंद। चलो, बच्चे ना सुबह से रेडी होके बैठे हुए थे कि आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट और ईद की शॉपिंग का। आपको पता है वैसे भी बच्चों को कितना एक अलग सी शौक होता है। तो हुरैन मैडम ना अपना स्टॉल निकाल के ले आती है, जाना हो तो कहती है आप लोग स्टॉल लेते हो, तो बस मुझे भी स्टॉल चाहिए। तो नताशा हंस रही थी, मामा देखो जरा इसको कितना शौक आया हुआ है। हुरैन कहाँ जा रही है? मार्केट गुड मॉर्निंग जी, हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। और गुड मॉर्निंग तो नहीं है, खैर दोपहर हो गई है। और हुरैन ने बहुत प्यारा फ्रॉक पहना है, मिकी माउस वाला, और हुरैन जा रही है शॉपिंग करने की। आले ये यहाँ पे बूथ पे पहन रहे हैं। हाँ चलो, बूथ पे जा रहा हूँ। चलो मौसम तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ठंड वाला दोबारा से हुआ हुआ है। पता नहीं यहाँ तो मौसम का पता ही नहीं चलता, बस इसीलिए शायद मेरी तबीयत भी इतनी डिस्टर्ब हो गई है। दो दिन धूप निकलती है, उसके बाद फिर से वही ठंड वापस आ जाती है। तो बस यहाँ पे ना ऐसे ही मौसम चल रहा है। ये हम लोग गए थे सैटरडे वाले दिन ना, और जब हम जा रहे थे तो मार्शा लगा हुआ था, बस बड़ा ही रश था वहाँ पर भी। और वही मैं नताशा से कह रही थी कि देखो कितना यहाँ पर रश है। असल में यहाँ पे ना इनका भी फेस्ता था, और यहाँ पे इनका पग का फेस्ता होता है, जिसको ये ईस्टर का कोई इनका त्यौहार होता है। हाँ, मिस्टर नवीद भी जा रहे हैं जी हमारे साथ, मास्क उतारे हैं। यहाँ भी ट्रेन में कोई भी नहीं है। ये भी जा रहे हैं जी आज अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाने। खाली बच्चों को कराने की, बेगम को भी हैं, बताएं ना। रमीज़ ने कहा है मुझे ईद का ना ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चप्पल ले दें तो बस इट्स ओके। फाइक ने कहा है कि मुझे साइकिल ले दें, इसकी फरमाइश ज़्यादा बड़ी है, इसने कहा मुझे भी ईद के कपड़े ना ले दें। और नताशा कह रही है मुझे फुटबॉल ले दें। ये बच्चों के ईद की ना नोकी फरमाइशें सुने, चप्पल और अपर है। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मिकी माउस चाहिए। ये ईद के कपड़े लेने जा रहे हैं, और कपड़ों में से सिवाय मेरे किसी ने भी नहीं लेने लगता है। हाँ दाशा ने क्या लेना है? और डैडी के लिए क्या लेना है? पिजामा, नाइक का पिजामा। अच्छा, और
कपड़े भी नाइक। ओके मुझे भी कपड़े एडिडास के टी-शर्ट। अच्छा जी एडिडास की टी-शर्ट पजामा नाइक। ओके नाइक सोच लो। बच्चों से ना चिटचैट चल रही थी और आपने इनकी अनोखी फरमाइशें सुनी होंगी। मैं इनके ईद के कपड़े लेने जा रही थी और इनकी थी अनोखी फरमाइशें कि हमें ये चाहिए कपड़े बेशक ना लेके दो, हमें ये चाहिए। तो सो मैंने सोचा कि चले फिर हम लोग ना जैसे ही यहाँ पे ट्रेन से उतरे, फाई को मैंने कहा कि आप ना डैडी के साथ उतर के नेक्स्ट स्टॉप पे चलो। और उससे पहले यहाँ पे ना स्पोर्ट्स की एक दो शॉप थी तो मुझे था कि मैं वहाँ से बच्चों के लिए बॉल जो लेने हैं वो ले दूँ और साथ जो रमीज़ की मुझे चाहिए थी चप्पल तो मैंने सोचा कि वहाँ से उसको चप्पल भी ले दूँ। लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई थी ना तो वहाँ से आते हुए मैंने दोनों बच्चों की चप्पलें लेके आई हुई थी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया गलत था यहाँ की वहाँ की साइजिंग में, तो इनको बिल्कुल फिट पूरी थी तो दोनों की ना छोटी हो गई थी। तो मुझे तो था कि रमीज़ को ज़्यादा छोटी हो गई है तो चलो मैं रमीज़ को ले देती हूँ। सो हम लोग ना यहाँ पे आए और ये स्पोर्ट्स की शॉप थी। यहाँ पे ना चप्पलों की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, पाकिस्तान में तो मोचे हैं गली गली जगह जगह इतनी आपको वैरायटी मिल जाती है ना चप्पलों की, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी कम शॉप्स होती है ना, मतलब जहाँ पे आप लोगों को अच्छी चप्पल्स मिल जाए और वैरायटी तो होती नहीं है। यहाँ स्पोर्ट्स शॉप पे आए तो यहाँ पे जस्ट एक कलर की चप्पल पड़ी हुई थी और वो भी ब्लैक कलर की थी। तो रमीज़ ने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए ना, फिर मैंने इसको पहना के देखी तो ये बहुत ही ज़्यादा खुली थी। एक दो और देखी उनमें प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी और उसमें साइज़ भी नहीं था रमीज़ का। बाल की चाहिए बस बाल नहीं है, चल ले लो एक। चलो बस ये इनके ईद के गिफ्ट हो गए हैं। हाँ देख लें जी, आप लोगों के कहने पे मैंने हुरैन को सेपरेट बाल लेके दिए है। आप लोगों ने एक दफ़ा जब मैंने रमीज़ की बर्थडे का व्लॉग अपलोड किया ना तो हुरैन नाराज़ हो रही थी, तो आपने कहा हुरैन को पहले लेके दिया करें। तो जब मैंने बाल लिया तो हुरैन ने पहले ही कहा कि मुझे भी बाल चाहिए, उसको भी मैंने छोटे साइज़ में ले दिया। फिर यहाँ साथ एक शॉप थी तो वहाँ पर माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्काउंट कुछ चीज़ों पर लगी हुई थी, किसी पे 40% 50%। तो फिर मैंने यहाँ से ना रमीज़ और फाइक की मैंने एक एक टी शर्ट ली और मुझे ये नहीं होता कि मैंने इस स्टोर से ही शॉपिंग करनी है, मैं हमेशा प्रेफरेंस यही होती है कि अच्छी तरह देख के घूम फिर के जो है ना रीज़नेबल प्राइस में चीज़ लूँ और चीज़ की क्वालिटी जो है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए। सो बस वो जो बाहरी शॉप थी ना स्पोर्ट्स के साथ, मुझे उनका नाम उस शॉप का याद नहीं है लेकिन उनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, तो वहाँ से मैंने बच्चों की एक एक शर्ट ली दोनों की। और नताशा को मैं कह रही थी कि ये बड़ी अजीब बात है इन्होंने डिस्काउंट जो है ना वो कैसे लगाई हुई है, फिर उसने मुझे बताया नहीं मामा यहाँ पे जो ईस्टर है ना उसकी डिस्काउंट लगी हुई है और ये कुछ दिनों के लिए इनकी लगती है इसलिए। तो मैंने सोचा कि चलो फिर तो आज जो है ना अच्छा है कि बच्चों की कोई चीज़ जो है ना हमें डिस्काउंट से मिल जाए। और हुरैन मैडम को ना यहाँ पे किसी मार्केट में किसी ने ना इसको दे दिया था बालून और ये तो बस उसी में खुश हो गई थी। फिर ना यहाँ पे अनवीर को मैंने कहा कि सीलियो से आप अपने लिए कोई ना पैंट शर्ट देख लें, तो अनवीर ने कहा नहीं, जो दिसंबर के डिस्काउंट पे मैं उनका पजामा और टी शर्ट लाई हुई थी ना वो अनवीर ने नहीं पहना था, तो मुझे कहते हैं नहीं अभी ठंड है कौन सा गर्मी आ गई है तो मैं वही पहन लूँगा, तुम अपनी और बच्चों के जो है ना वो देख लो। यहाँ पे लेडीज़ कपड़े मैं कहती हूँ लेने का सबसे बड़ा जो है ना मसला बनता है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि ड्रेसिंग जो है ना हमारे मशरक़ के लिहाज से हो जिसका गला भी डीप ना हो, बाजू भी फुल हो और लेंथ भी उसकी अच्छी हो। वैरायटी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन मैं कहूँ ना कि हज़ारों में से कोई एक दो काम का होता है तो बचा है। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो तीन शॉप जो है ना चेक की लेकिन कहीं पर जो है ना वो नताशा को पसंद नहीं आ रहा था, खैर मुझे भी पसंद नहीं आया, किसी की लेंथ छोटी किसी का बाजू फुल नहीं थे, तो फिर नीचे अगर टी शर्ट पहन के वो पहने ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर ईद का ड्रेस था तो मुझे था कि थोड़ा सा एलिगेंट सा होना चाहिए, मेरी बेटी की पसंद का होना चाहिए। तो फाइनली फिर क्या हुआ, हम लोग ना लास्ट मंथ एक दफ़ा गए थे मार्केट तो नताशा को यहाँ ज़ारा पे ना एक कुर्ता इसे बहुत पसंद आया था, इसका साइज़ नहीं था, तो इसने कहा मामा मैं देखती हूँ अगर मुझे पसंद नहीं आया ना तो मैं यहाँ पे काउंटर से पता करूँगी, अगर मुझे वो वही मंगवा दे तो मैं यहाँ पे आर्डर प्लेस करवा जाऊँगी। सो हम लोगों ने फिर देखा घूम फिर के हमें कोई भी जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पसंद है कि ईद पे अगर उसे पहनना है ना तो उसे पसंद होता है कि लॉन्ग सी फ्रॉक हो और फुल बाजू में हो, तो लास्ट ईयर तो उसको एक घूम घुमा के जो है ना वो मिल गई थी लेकिन इस दफ़ा जो है ना बस उसे मिल नहीं रही थी।
एक शॉप पे हम लोग गए, इतने एक्सपेंसिव कपड़े थे, इतने एक्सपेंसिव कि बस प्राइस पढ़ के ना बाहर आ जाए। 150-150, 200-200 यूरो का जस्ट एक कुर्ता था, बहुत ही ज्यादा महंगा। सो फिर हमने ये सोचा कि रमजान है, रोजा है, और रोजा हम लोग असर के टाइम तकरीबन गए थे, तो हमें था कि बस इफ्तारी में भी टाइम थोड़ा है, बस फटाफट से जो है ना कुछ सिलेक्ट कर ले। तो फिर मेरी बेटी ने ना यहाँ जारा पे खड़े खड़े जो है ना, वहां पे एक लड़की थी, तो उससे पूछा, तो उसने कहा कि ठीक है हम आपका ऑर्डर चेक करते हैं। ये वाला एक कुर्ता देखा था, थोड़ा सा उसको पसंद आया था, लेकिन इसमें कलर और नहीं था, फिर इसके बाजू बहुत ही खुले थे, तो फिर ये भी नहीं लिया। फिर हमने ना वही उसका ऑर्डर जो है ना दे दिया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, ये आपको ना ऑर्डर मिल जाएगा। ये आपको जो फ्रॉक नजर आ रहा है ना, या एक हम लोग स्टोर में गए तो ये 200 में था, तो मैं और नताशा हंस रहे थे कि पता नहीं ये सोने के भाव पे लगता है यहाँ पे ना कपड़े सेल होते हैं। हुरैन मैडम जो है ना वो आगे आगे भाग रही थी, और वो कहती है मामा ईद है ना, तो मुझे ना पर्स भी चाहिए। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, कितना शौक होता है ना जब हम छोटे होते हैं, हमें मैचिंग की ज्वेलरी भी चाहिए होती थी, मैचिंग के जूते भी चाहिए होते थे, मैचिंग का हर चीज चाहिए होता था। तो अभी तो मैं कहती हूँ आजकल के बच्चे फिर भी बहुत फरमाबरदार है, एक आधी चीज लेके जो है ना वो चुप कर जाते हैं। रमीज की फाइनली जो है ना यहाँ पे हमें चप्पल पसंद आ गई, और ये जो है ना उसके साइज की थी। तो रमीज मुझे हंस के कहता है मामा अगर इस पे डिस्काउंट नहीं है ना तो कोई बात नहीं, ये ना लो, जब डिस्काउंट लगेगी ना तो फिर मैं लेने आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं बेटे, इतनी भी बात नहीं है, मैं आपको ले देती हूँ। तो यहाँ पे रमीज को जो है ना वो लेके दी चप्पल। और बच्चे छोटी छोटी चीजों पे कितना खुश हो जाते हैं ना, ये छोटी छोटी सी खुशियां, ये बचपन, मैं कहती हूँ इससे कीमती लम्हे कोई नहीं होते। और यहाँ पे देखें जी, ईस्टर की वजह से कितना रश था, कितना रश था यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे आए ओकाइदी में, और ओकाइदी में कुछ चीज़ों पे ना 50% तक डिस्काउंट थी। तो ये मेरी भी कोशिश ही होती है कि अगर 50% डिस्काउंट किसी चीज़ में है तो मैं उसमें बच्चों की साइजिंग देखूँ। तो मुझे इसका ये एक अपर चाहिए था, रमीज पहन के देख रहा था, इसको बहुत मज़े का लगा। और ये 23 एरो से जस्ट हमें 12 एरो समथिंग का मिला। तो फिर यहाँ से रमीज का हमने लिया जी अपर। और अभी हमने आधी आधी चीजें ही ली थी ना, कि बस इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब आ गया। अनवीत मुझे फिर कहने लगे कि नहीं बस तुमने जो भी बस जल्दी से लिया है वो बस ठीक है, बाकी चीजें जो है ना एक दफा फिर चक्कर लगाना और ले लेना। नताशा को था, मैं और नताशा जो है ना वो सेम सेम ड्रेस पहने, लेकिन यहाँ पे हमने ना एक ब्लू ड्रेस देखा था, और उस ब्लू ड्रेस में नताशा का साइज नहीं था। तो फिर उसने कहा कि मामा मेरा बड़ा दिल है कि हम लोग सेम सेम पहनते। और मैं तो नताशा से कह रही थी कि आप ना अपना फ्रॉक जो है वो पसंद करो, उसके बाद जो है ना मैं आपको सैंडल भी लेके दूंगी इस ईद पे। तो वो कह रही थी नहीं मामा कोई बात नहीं, हमने कौन सा कहीं इतना कहीं आना जाना होता है, मैं शूज ही पहन लूंगी। तो मुझे इतना उसमें प्यार आया, तो मैंने उसे कहा नहीं इस ईद पे तो आपके ना सैंडल मेरी तरफ से पक्के हैं, मैं आपको साथ ना सैंडल भी लेके दूंगी। खैर यहाँ पे ना बस जितनी जितनी फिर जल्दी जल्दी में जो शॉपिंग हुई, और यहाँ पे नताशा घूम फिर के ना HM पे फिर मामा के लिए ड्रेस देख रही थी। उसने कहा कि मामा यहाँ पे ना मैं आपके लिए कुछ पसंद करती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि इस ईद पे ना मामा ने आपकी चॉइस का जो है ना वो ड्रेस पहनना है। वैसे नॉर्मली मुझे ना मोनोप्रिक्स एक मार्केट है, वहाँ पे जब डिस्काउंट लगती है ना तो मुझे वहाँ से ही ज़्यादातर पसंद आते हैं। एक तो उनका स्टफ़ बड़ा अच्छा होता है, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जब वहाँ पे 60-70% डिस्काउंट लगती है ना तो फिर वो आम मार्केट के मुकाबले में जो है ना वो अच्छे लगने लगते हैं, उनकी प्राइस कम लगती है। तो मोनोप्रिक्स यहाँ पर नज़दीक नहीं थी, वो पैरी साइड पर ही है, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं अगर हमें HM पे कुछ पसंद आ जाता है। आप लोग बताइएगा आप ऐसे किस किस ने जो है ना वो ईद की शॉपिंग कर ली, और किस किस ने अपनी की है, किस किस ने बच्चों की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि कहाँ कहाँ से आप लोग जो है ना मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो फिर ये देखें जी, यहाँ पे हो गया था इफ्तार का टाइम, और बच्चों को बस मैंने जल्दी से वो पिज़्ज़ा जो हम लोग बना के लाए हुए थे वो मैंने निकाल के दिया कि वो खाएँ। तो साथ नवीद ने कहा कि यहाँ से ना 2 पनीरियाँ कुछ बच्चों के लिए और भी ऑर्डर कर लो। तो यहाँ पे ना एक हलाल रेस्टोरेंट है, वहाँ से फिर हम लोगों ने ना 2 पनीरियाँ बच्चों के लिए ऑर्डर की। मुझे था कि रोज़ा खोल के फिर इतनी भूख नहीं होती ना, तो बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, तो मुझे था कि 2 लेते हैं तो चलो सारे खा लेते हैं मिलके। तो फिर हुरैन के लिए जो है ना वो स्पेशल चिप्स के ऑर्डर मुझे करना पड़ा, वो कहती है कि बस कहीं पर जाएँ मुझे बस चिप्स चाहिए, एक उसको चिप्स चाहिए और एक उसको राइट हैंड से खाना जो है ना चेयर चाहिए। राइट हैंड से खाओ, उस हाथ से खाओ, उस हाथ से खाओ। खाना खाया और मजा के फिनिश कर दिए, हम गा जा रहे अल्लाह हम ना बल 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 बल।
आपके साथ खेलने जाएंगे। बाय जल जाएगा। आप इधर ही रहो। अच्छा हम जा रहे हैं, आप आज इधर ही रहो। नहीं क्यों? क्योंकि मैंने घर जाना है। घर जाना है? नहीं आज आप इधर ही रहो ना, इधर काम करो सुबह का आना। नहीं क्यों? क्योंकि मैंने कैसे ले सकती हूँ? कैसे रह सकती? हम कल आपको लेने आ जाऊंगी। यहाँ पे जी फिर हम लोगों ने बैठ के अपनी की इफ्तार, और जैसे ही हम लोग वापस आ रहे थे ना तो बच्चों ने कहा कि प्लीज़ आज हमें ना हमें यहाँ पे आइसक्रीम भी खानी है। तो निवेद ने कहा कोई बात नहीं, चलो ना शेयर कर लेते हैं, बच्चों को ले देते हैं। क्या हुआ है रह रहे? इत्तफाक में कहते हैं ना बरकत है, हमारे घर में बड़ी बरकतें नजर आती है इत्तफाक में। क्या हुआ है? ऐसे घर लाल तक दो दो पैप लगे हैं। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज आपको मैंने फ्रांस की रोनके भी दिखाई जी, और बस मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक जरूर कर दिया करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।